हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस की, और बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी यानी एनसीआर, ठीक है ना। और अब उन्हीं को हम अप्लाई करें। एक क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है ना। सवाल ये है, इवेल्युएट या कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू आर। यह बेटा 47C4, देखो आप 47C4 प्लस समेशन जे रन फ्रॉम 0 to 3। देखो समेशन जे रन फ्रॉम 0 to 3, और यह है 50 माइनस JC3, दैट इज 50 माइनस JC3 प्लस ये है समेशन के रन फ्रॉम 0 to 5। समेशन के रन फ्रॉम 0 to 5 56 माइनस की, और सी है 53 माइनस की। ये सवाल है बेटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना। देखिए पहली बात बेटे, अगर हम ये समेशन ओपन करें तो आपसे कहा जाए, देखो दैट इज 47C4 अपनी जगह है। यहाँ अगर जे को आप जीरो दोगे कितना बेटा, ये 50C3 आएगा, प्लस आप वन दोगे, जे रन फ्रॉम 0 to 3, वन दोगे कितना आएगा 49C3, बेटा टू दोगे तो 48C3, और थ्री दोगे तो 47C3। यानी ये वैल्यू आ गई, ये हमारा समेशन था जे रन फ्रॉम 0 to 3, ठीक है ना, 50 माइनस JC3। और यहाँ बेटा प्लस का ये समेशन क्या है, के रन फ्रॉम 0 to 5। अगर बेटा जीरो दो कितना आएगा, आएगा 56C, कितना बोलो 53, ठीक है ना। अच्छा प्लस अब बेटा वन दोगे तो 55C कितना आ जाएगा, ये 52, प्लस बेटा टू दोगे तो 54C कितना आ जाएगा, ये 51, प्लस बेटा आपसे कहा जाए 53, और सी कितना बोलो 50, प्लस आपसे कहा जाए 52, सी कितना बेटा 49, प्लस अगर 5 दोगे तो 51, सी कितना बेटे दैट इज 48, ठीक है ना। आई बात समझ में, 41 51 C 48। अब देख बेटे हमने क्या किया, हमने पहले इस समेशन को ओपन किया, यानी जे की वैल्यू 0 से 3 यहाँ किया, और के की वैल्यू बेटा 0 to 5 हमने, ठीक है ना, ऐसा कर दिया, ठीक है ना, ध्यान दे आप। आई बात समझ बेटा। अब देखिए, अच्छा अब देखिए ध्यान दो बेटा, अब आपसे कहा जाए कि देखिए, अब ये आपने पढ़ा हुआ है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। देखो इस रिजल्ट को बेटा हम यूज करेंगे, ठीक है ना। हमने पढ़ा हुआ है, देखो क्या पढ़ा है, देखो बेटा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, ये हमने पढ़ा है N+1 CR, ये पढ़ा हुआ है ना। अभी बेटा ये जो इसका मतलब, ये हमारा जो 47C4 है प्लस 47C3, ये हो जाएगा 48C4 होगा। देखो तो कलर बेटा चेंज कर दे रहे हैं हम, यानी ये और ये मिलके, समझ रहे हैं आप, 47C4 प्लस 47C3, यानी N 47 है, R यहाँ 4 है, R-1 3 हो जाएगा, यानी 47C4 प्लस 47C3 इज इक्वल टू 48C4। अब बेटा ये 48C4 और ये 48C3, ये दोनों अगर आप ऐड करोगे, ये दोनों मिलके बना देंगे 49C4, समझ गया। अब बेटा ये 49C4
अब 49C3 फिर इनको ऐड करोगे, ये दोनों मिलके बना देंगे कितना, दैट इज 50C4। और ये 50C4 और ये 50C3 ये मिलके बना देंगे दैट इज 51C4। ठीक है बेटा, यानी देखो ये जो वैल्यू हमारी है यहां से यहां तक क्या आ गई, ये आ गई 51C4। ठीक है ना, यानी बेटा अब देखा जाए तो हम इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 51C4। और दे बेटा प्लस ये जो हमारा, देखिए समझ गए बेटे, अब ये वाली वैल्यू यानी ये कितना है 56C। देखिए अब यहां हम यूज कर दें बेटे, हमने क्या पढ़ा है NCR इज इक्वल टू NCN-R। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 56C3 हो जाएगा, ये बेटा कितना हो जाएगा 55C3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54C3 हो जाएगा, ये बेटा 56C3 हो जाएगा, ये 52C3 हो जाएगा और ये 51C3 हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना बेटे पहले नोट कर लो, समझ गया ना, यानी हमने क्या कहा NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है बेटा, NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, यानी ये जो हमारा 56C53 था ये बन जाएगा, बोलो ये बेटा ये बनेगा, आपसे कहा जाए दिस इज 56C3 बन जाएगा। देखो 55C52 क्या बन जाएगा, ये 55C3 बन जाएगा। समझ गए बेटा, इस रिजल्ट से NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है, ओके अब दे बेटा आगे बढ़ते हम, आपसे कहें क्वेश्चन बेटा मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए अब आपसे कहा जाए देख बेटे, नाउ दिस इज इक्वल टू, देख बेटा ये है 51C4। ठीक है ना, प्लस एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूं बेटा, 56C3 प्लस 55C3 प्लस 54C3 प्लस बेटा आपसे कहा जाए 53C3 प्लस 52C3 प्लस बेटा 51C3। ठीक है ना, अब देखिए अब बेटे फिर वही कहानी शुरू हो गई, आपसे कहा जाए 51C4 और 51C3, यहाँ क्या यूज किया, ये वाला रिजल्ट NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N प्लस NCR, यानी बेटा ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 52C4। आई बात समझ में, 52C4। ठीक है बेटा, यानी कुल मिला के अब देखिए ये हमारा 52C4 प्लस 52C3 ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो 53C4 मिल जाएगा। और बेटा ऐसे लास्ट में ये 55 ऐसे बनता जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 57C4। समझ गए, लास्ट क्या बनेगा 56C4 प्लस ये वाला 56C3 क्या बन जाएगा, ये बनेगा 57C4। ठीक है बेटा, ये बनेगा 57C4। है बात समझ बेटे कंप्लीट, यानी हमने इस क्वेश्चन में बेटा दो रिजल्ट यूज किए, पहला NCR इज इक्वल टू NCN-R और दूसरा NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। ठीक है ना, इज इक्वल टू N+1 बेटा कितना बोलो CR, समझ गए इज इक्वल टू N+1 CR। बोलो भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। ठीक है आगे बढ़े बेटा, चलो इसको मिटा दूं मैं, मिटा दिया जाए और अगला सवाल लिखा जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन बेटे क्या है देखिए, क्वेश्चन है बेटा राइट डाउन 36 गेम्स। देख बेटा ये है 36 गेम्स। ठीक बेटा,
were played in a football tournament. Were played in a हम बेटे कहें फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है ना। अब दे बेटा, अच्छा, विथ ईच टीम प्लेइंग वंस अगेंस्ट टूर्नामेंट, विथ देखो ईच टीम प्लेइंग प्लेइंग वन वंस, देख बेटा वंस अगेंस्ट अगेंस्ट ईच अदर, समझ रहे बेटा, अगेंस्ट ईच अदर। हाउ मेनी टीम्स, आपसे कहा जाए बेटा हाउ मेनी टीम्स, हाउ मेनी टीम्स वेयर देयर, ठीक है ना, वेयर देयर, ये बेटा सवाल है। देख बेटे, आपसे कहा जाए लेट नंबर ऑफ टीम्स, लेट नंबर ऑफ बेटा टीम्स इज इक्वल टू एन, हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स क्या है, एन है। अब देखिए इसका मतलब नंबर ऑफ गेम्स कितना हो जाएगा, देखिए बेटे एक गेम की दो टीम चाहिए, यानी एन में से अगर हम कोई दो टीम सेलेक्ट करें तो एक गेम होगा, हर बात समझे, यानी नंबर ऑफ गेम्स इज इक्वल टू एन सी टू, ठीक है ना, एंड इट इज गिवन दैट एन सी टू इज इक्वल टू बेटा 36, ठीक है ना, एन सी टू इज इक्वल टू 36, यानी बेटे एन सी टू इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए अब फॉर्मूला दे रहे हैं हम, एन सी टू का मतलब बेटे कितना, दैट इज हम आपसे कहें, अब देखो बेटे ध्यान दो, या आप यहां वैसे सॉल्व करें n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा कितना 36, आई समझ में, और ये ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा n n माइनस 1 इज इक्वल टू 36 इनटू 2, यानी n n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इनटू 8, तो आप कहोगे यहां से बेटा n इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, n इज इक्वल टू बेटा आपसे कहा जाए 8, ठीक है, ओके, ठीक बेटे, ओके, यानी हम आपसे कहें दैट इज n इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू 9 नॉट 8 बेटा, क्योंकि ये n है और n माइनस 1 है, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, समझ गए बेटा, ओके, ठीक है। अब देखिए बेटा कुछ रिजल्ट्स हैं, न भी करें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, लेकिन एक बार हम उनको अगर डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है, चल बेटे ध्यान दो आप, ओके बेटे, कहा जाए आप लिखिए, ठीक है ना, हम बेटे कहें नोट। अब बेटा आपसे कहा जाए पहली बात, हम आपसे कहें नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है बेटा, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, या बेटा इसी को कह सकते हम दैट इज सिलेक्शंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, देख बेटा आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, आउट ऑफ एन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्हेन, अब यहां बेटा पहली कंडीशन है व्हेन, पहली कंडीशन है के पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है ना, के आपसे कहा जाए बेटा पर्टिकुलर की पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है ना, आर ऑलवेज इंक्लूडेड,
आर ऑलवेज बेटा कहा जाए इंक्लूडेड इज इक्वल टू, बोलो आंसर। देखो कि पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, देख बेटा यानी हमें सिलेक्शन करना था कितने आर का, और आर में से हम बेटे कहें कि के पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज सिलेक्टेड, यानी अब जो बच गई एन माइनस के में से हमें सेलेक्ट करना है आर माइनस के, समझ गए। देखो जो के पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड उनको हटा दें हम, तो जो कितना बच गई एन माइनस के, और उनमें से हमें सिलेक्शन करना है आर माइनस के का, ठीक है बेटे। फिर कहा जाए के पर्टिकुलर थिंग्स, देख बेटे के हम आपसे कहें के पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है ना, नेवर इंक्लूडेड, नेवर आपसे कहा जाए बेटा इंक्लूडेड, दैट इज देखो अब के को आपको बेटा कभी नेवर इंक्लूडेड, यानी अब जो बच गई एन माइनस के सेलेक्ट तो हमें बेटा आर ही करना है, समझ गए ना, एन माइनस के सी आर, ठीक है बेटे। अब आपसे कहा जाए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, आप देखो बेटे ध्यान दो दूसरा रिजल्ट क्या है, देखिए ये सब बेटे सोचने वाली बात है, ठीक है ना। आपसे हम कहें द नंबर ऑफ, देखो बेटा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ऑफ आर थिंग्स, ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, आउट ऑफ एन, ठीक है बेटा, आउट ऑफ एन डिफरेंट, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स सच दैट देखो such that ki particular things are not together, such that ki particular things ki aapse kaha jaye particular things ki particular things are not beta hum kahe आर नॉट टूगेदर इन एनी सिलेक्शन, इन आपसे कहा जाए एनी बेटा सिलेक्शन, दिस इज इक्वल टू, देख बेटे ध्यान दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी आर माइनस एन माइनस के सी आर माइनस के, ठीक है ना। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स सच दैट के पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट टूगेदर इन एनी सिलेक्शन, समझ गए बेटा, यानी एनसीआर में 12 वाला के समय जब के पर्टिकुलर थिंग इंक्लूड कर देना है तो हम क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए ध्यान दे आप कुछ क्वेश्चंस की बात आपसे करें, ठीक है, बस बेटा कि सोचने वाली बात है हम सवाल में इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए लिख लिया आपने, नोट करो, और अब बेटे हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना, हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, अब सवाल है, देखिए बेटे क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, देखिए पहला सवाल है इन how many ways, ठीक है, in how many ways can a cricket, ठीक है बेटा, cricket 11 players by choosing, cricket 11 players, ठीक है ना, by choosing, we choosing out of
a batch of 15 players chosen out of a batch of the beta 15 players. If अब पहला शर्त है बेटा, पहला पार्ट है बेटा, अ पर्टिकुलर इज ऑलवेज चूजेड, अ पर्टिकुलर प्लेयर का पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज बेटा चूजेड. और सेकंड है, ध्यान दो, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजेड, ठीक है, उसी रिजल्ट का एग्जांपल है. अ पर्टिकुलर प्लेयर इज बेटा नेवर चूज़े. अब बेटे पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, देखिए 15 में से हमें बेटा क्या करना है, 11 को सिलेक्ट करना है, टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, ठीक है, जिसमें अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सिलेक्टेड, यानी अब एक प्लेयर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी अब हमें 14 में से सिलेक्शन करना है 10 का, समझ गए. तो पहले पार्ट का आंसर बेटे कितना हुआ, दैट इज 14C10, समझ गया. और इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R 14C14 4. अब आप बेटे क्या रिजल्ट है, 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 14 माइनस 4, यानी बेटा 10 फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर. ये बोलो इसको लिख सकते हैं हम, यानी इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 1001, ठीक है. अब देखिए सेकंड का बेटे आंसर बोलो आप, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजिंग, यानी एक को हमें चूज नहीं करना है, यानी अब हमें 14 में से 11 को चूज करना बेटा, यानी 14C11, ठीक है ना बेटे, क्या होगा ये होगा दैट इज 14C11, समझ गए बेटा, नहीं ठीक है, ये होगा 14C11, ठीक है. और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो दैट इज 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इनटू 14 माइनस 11 दैट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है बेटे, आप सॉल्व कर दोगे ये आ जाएगा दैट इज 364, समझ गए. देखिए अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो आंसर होता 15C11. पहला पार्ट क्या था, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, यानी बेटे इसका मतलब एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी अब हमें 10 और चाहिए, और कितने में से 14 में से, क्योंकि टोटल 15 हैं और एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब कितने बच गए, 14 बच गए, 14 में से हमें 10 का सिलेक्शन करना है. और फिर बेटा दूसरा पार्ट क्या है, अ पर्टिकुलर प्लेयर नेवर, ठीक है ना, सिलेक्टेड, तो बेटे आपने कहा कि हमें किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट नहीं करना, उसको बाहर कर दिया, अब 14 में से हमें कितना करना है, 11, यानी 14C11, ठीक है बेटे, आगे बात में समझ में, 14C11, ठीक है. आगे देखिए आप, ध्यान दो बेटा, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना. अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस, क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मेनी डिफरेंट, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ सिक्स बुक्स, सिलेक्शंस ऑफ सिक्स बुक्स, ठीक है बेटा, कैन बी मेड फ्रॉम सिक्स बुक्स, कैन बी मेड फ्रॉम, ठीक है बेटा, 11 डिफरेंट बुक्स, फ्रॉम 11 आपसे कहा जाए डिफरेंट बुक्स,
दे बेटा इफ, अभी कंडीशंस है इफ। पहला पार्ट है देखिए, फर्स्ट पार्ट है बेटा टू पार्टिकुलर, ठीक है ना, टू आपसे कहा जाए टू पार्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड, बुक्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड, ऑलवेज ये है बेटा सिलेक्टेड, और दूसरा है कि टू पर्टिकुलर बुक्स आर नेवर सिलेक्टेड, ठीक है बेटा, टू पर्टिकुलर बुक्स आर नेवर सिलेक्टेड। चलो आंसर बोलो फटाफट। दे बेटा अब 11 में से 6 का सिलेक्शन और टू पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड, इसका मतलब अब देख बेटा हमें 6 का सिलेक्शन करना था, 2 तो ऑलरेडी हैं आप हटा दिया, यानी अब हमें 9 में से 4 का सिलेक्शन करना होगा, आंसर होगा 9C4। बोलो बेटा यानी फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर है 9C4, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का बेटे आंसर है आपसे कहा जाए 9C4। और आपसे कहें बेटे सेकेंड में टू पर्टिकुलर बुक्स, ठीक है ना, नेवर सिलेक्टेड, यानी बेटे अब हम कहें ध्यान दो, यानी अब इसका देखो टू पर्टिकुलर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9C6, क्योंकि जिन दो को सिलेक्ट नहीं करना है उनको बाहर कर दिया, तो बुक्स बच गई 9, लेकिन सिलेक्शन बेटे हमें 6 का ही करना है तो 9C3। तो पहले पार्ट का आंसर 9C4 और दूसरे पार्ट का आंसर 9C6, ठीक है ना, इनको बेटे हम कैलकुलेट कर लें तो बेटा हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके हमें आंसर मिल जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान दे आप, देखो बेटे अब सोचना ये होगा कि कहां हमें, ठीक है ना, लगाना है परमुटेशन और कहां हमें अप्लाई करना है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात है बेटे, जहां पे ऑर्डर काउंट होगा वो आएगा परमुटेशन में, और जहां बेटा ऑर्डर काउंट नहीं होगा वो आएगा कॉम्बिनेशन में। यानी अब आपसे कहा जाए अगर हम कहें बेटा परमुटेशन और यहाँ आपसे कहा जाए हम बेटे कहें कॉम्बिनेशंस, तो परमुटेशन में ऑर्डर काउंट होता आपको पता है, यानी आपसे कहा जाए फॉर्मेशन ऑफ बेटे वर्ड, ठीक है ना, मान लो आपने कहा एक लेटर विद हेल्प ऑफ गिवन लेटर्स, ठीक है बेटा, हम आपसे कहें विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ना, With the help of given letters, ये एग्जाम्पल होगा परमुटेशन का, क्योंकि देखो अच्छा ऐसे बेटे फॉर्मेशन ऑफ आपसे कहा जाए नंबर्स, समझ गए, ये सारे क्या बेटे परमुटेशन है। कॉम्बिनेशन देखिए पहली बात बेटे आपसे कहें बेटे फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, ठीक है ना, आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी बेटा हम आपसे कहें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज मान लो कहा जाए फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स विद द, हम बेटे कहें हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना, ये किसके एग्जांपल्स होंगे कॉम्बिनेशन के। देख बेटा सेट्स के जितने सवाल होंगे कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि आपने कहा था अगर एक कोई सेट है 1, 2, 3 और मान लो 4, बेटा ये सेट वही होगा अगर हम ऑर्डर एलिमेंट्स का चेंज करें, तो आपको पहले पता है इनमें ऑर्डर काउंट नहीं होता। देखो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी विद हेल्प ऑफ गिवन मेंबर्स, मान लो 4 मेंबर्स ABCD हैं, उनमें आपको 2 कमेटी बनानी है,
अगर आप ए बी कहो कम्युनिटी में ए बी है या बी ए है, बेटा कम्युनिटी तो वही है, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटे अगर हम फॉर्मेशन ऑफ टीम, फॉर्मेशन ऑफ टीम ये क्या है, कॉम्बिनेशन में जाएगा, समझ गया। यानी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन गिवन लेटर्स, और बेटा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स, विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट, समझ गया बेटा। देखिए मान लो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल विद हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स, मान लो बेटे फोर पॉइंट्स पता है, मान लो आपको फाइव पॉइंट्स पता है ए बी सी डी, अब ट्रायंगल बनाना है तो आपको पांच में से कोई तीन का सिलेक्शन आप कर लो। जैसे आपसे कहा जाए अगर आपने ए बी सी बना दिया, अब आप ऑर्डर चेंज कर दो, बी ए सी कर दो, सी ए बी कर दो, बेटा ट्रायंगल तो वही है, ट्रायंगल चेंज नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने पर ट्रायंगल चेंज नहीं हो रहा है, ये बेटा एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन का, समझ गया ना। ओके, यानी कॉम्बिनेशन में ऑर्डर काउंट नहीं होता, ऑर्डर इज नॉट बेटे आपने कहा इम्पोर्टेंट, यहाँ क्या होता है बोलो, ऑर्डर इज हम बेटा क्या कहें इम्पोर्टेंट, समझ गए। तो ये क्या है बेटे फॉर्मेशन ऑफ आपने कहा वर्ड, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। आपसे कहा जाए बेटा आपने एक नंबर बनाया वन टू थ्री, आप ऑर्डर चेंज कर दो डिजिट्स का तो नंबर चेंज हो गया, यानी ये कहा परमिटेशन हुआ बेटे। फॉर्मेशन ऑफ कमेटी हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ट्रायंगल बना, क्वाड्रेटर बना, और जो प्रॉब्लम्स बेटा सेट्स की हैं आपने कहा ये सब कहां जाएंगे कॉम्बिनेशन में। फॉर्मेशन ऑफ टीम क्या होगा कॉम्बिनेशन, आई बात समझ में, ओके ठीक है बेटा। तो हमें देखो अगर कहीं पे ऑर्डर काउंट करने पर कहानी चेंज हो रही है तो केस होगा बोलो किसका, परमुटेशन का, ठीक है ना। और अगर ऑर्डर चेंज करने पर बेटा कहानी चेंज नहीं हो रही तो केस होगा कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, ओके। तो केस होगा कॉम्बिनेशन का, आई बात समझ में, ठीक है बेटे। तो चलो इतना आप नोट करो, बाकी की कहानी बेटा हम बाद में डिस्कस करते हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। यानी बेटा देखो आपको पहली बात मैंने जितनी प्रॉपर्टी एनसीआर की बताई वो सब आपको याद, ठीक है ना। कुछ हमने फ्रीक्वेंट यूज किया, आपने देखा अगर एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, हम इसको खूब यूज करेंगे बेटे, और एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू बोलो एन प्लस सी आर, हमने कहा बेटा इसको हमने यूज किया एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई implies या तो x is equal to y होगा या बेटा फिर x plus y is equal to n होगा, समझ गए। अरे बोलो भाई ये हमने यूज किया बेटा, ओके okay? ये सारी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। आपने बेटा एक बात और कही थी ncr की greatest value depend करता है n even odd पे, अगर n even हो तो greatest value क्या होती है R at R is equal to n by 2, और अगर n odd हो तो NCR का greatest होता है I at R is equal to n plus 1 by 2 या n plus 1 by 2 या बेटा n minus 1 by 2, ठीक है ना। ये सारी बातें बेटा हमने देखी, ठीक है, ओके ठीक है। चलो बेटे तो आप ध्यान दें, ये सारा रिजल्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था NC नॉट, ठीक है ना, प्लस बेटा NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन, NCN ये कितना था बोलो 2 की पावर n था, आई बात समझ में। फिर आपने बेटा क्या पढ़ा था NC नॉट प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन, ये कितना था 2 की पावर n माइनस 1, आपने कहा बेटा NC1
प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव एंड सो ऑन, ये भी कितना था 2 की पावर n माइनस 1। अब समझे बेटे ये सब रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ओके। तो चलो आज की हम लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास बेटा हम आगे की प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे, ठीक है।